नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की जान ये बीमारी ले रही है और भारत भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। पिछले दिनों हमने विश्व मलेरिया दिवस को मनाया है और इस दिवस का मकसद यही है कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। स्वस्थ किसान में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है मलेरिया कारण, लक्षण और उपचार। तो एक बार फिर से विषय देख लीजिए, मलेरिया कारण, लक्षण और उपचार, इसी पर हम बात करेंगे। अगर आप भी इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर आपके लिए लगातार चालू रहेंगे। नंबर नोट कर लें, 1800-113-060। दूसरा नंबर भी देख लें, 1800-113-061। टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल निसंकोच आप कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और आज जो स्टूडियो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगले एक घंटे तक ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। पहले मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, जो कि आपको बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हेमाटोलॉजी इकाई के हेड हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर नीलम रॉय, जो कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्काइप पर जुड़ी हैं डॉक्टर तरनप्रीत कौर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स जम्मू के मेडिसिन विभाग में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो मलेरिया के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है। और मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, और जब तक ये अवेयरनेस रूट लेवल यानी हमारे गांव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसके सकारात्मक परिणाम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता रहेगी तो शायद इलाज की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी पहले ये रिपोर्ट, फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। मलेरिया बहुत ही घातक बीमारी है। अफ्रीका के लिए तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं। इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 25 अप्रैल का दिन अफ्रीका में मलेरिया डे के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया भर में करीब 6 लाख लोग हर साल इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, जो मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलती है। वैसे तो ये रोग 5 परजीवी प्रजातियों की वजह से होता है, लेकिन इनमें से पी फॉल्सिपेरम और पी विवेक्स मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तेज बुखार, सिरदर्द और ठंड लगना इसके सामान्य लक्षणों में शामिल है, जबकि थकान, कंफ्यूजन, दौरा और सांस में तकलीफ गंभीर लक्षण है। नवजात शिशुओं, 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में गंभीर संक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है। इनके अलावा यात्रियों और एचआईवी से ग्रसित लोगों को भी गंभीर समस्या हो सकती है। विश्व मलेरिया दिवस का मकसद इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से मलेरिया हो सकता है। और देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कारण समझें कि आखिर मलेरिया होता क्यों है, कौन कौन से इसके वाहक हैं। और जब ये आप समझ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन चीज़ों को लेकर अवेयर रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास भी करते हैं। तो पहला सवाल मेरा तरनप्रीत जी आपसे ही है कि जब हम बात करते हैं मलेरिया के लक्षण की, तो सबसे पहले इसको कैसे समझें, क्योंकि अगर हम इसे ही समझ लेंगे कि लक्षण क्या है, तो शायद दूसरे लोग भी ज़्यादा जागरूक रहें। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जी तरनप्रीत जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, क्या प्लीज प्रश्न अपना दोबारा दोहराएंगे ना? जी, जैसे कि हम लक्षण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि दरअसल मलेरिया है क्या, इसके लक्षण किस तरह के होते हैं। क्योंकि आमतौर पर देखिए, जब मौसम बदलता है और अभी आजकल का जो मौसम चल रहा है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, तो कई सारी बीमारियों को भी ये कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है। और बुखार होना या फिर शरीर गर्म होना, इस तरह की समस्या आम सी हो गई है, तो इसे किस तरीके से समझें? जी देखिए, जैसे अभी भी इस समय भी चल रहा है, बहुत सारा बुखार के मरीज आ रहे हैं। मलेरिया के लक्षण भी बुखार की तरह ही, बुखार से ही मलेरिया का मरीज जो है वो प्रस्तुत करता है। बस इसमें ये होता है कि मलेरिया का बुखार जो होता है वो काफी हाई होता है, और साथ में मरीज को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कपकपी के साथ होता है। इसके अलावा मरीज को कुछ
शरीर में दर्द हो, बदन में दर्द हो सकती है, मन खराब, उल्टी होना, सर दर्द होना, ऐसे हमें लक्षण होते हैं जो कि बाकी बुखार में भी हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मरीज पहले अपनी जांच करवाए, के बाद ही मलेरिया को हम डायग्नोज कर सकते हैं। केवल लक्षण पे ही मलेरिया डायग्नोज करना कठिन होता है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे हम बात जैसे मैम ने कहा कि लक्षण से ही डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते होते हैं, जो वायरल होता है या फिर आम जो मौसमी बुखार होता है उसमें, तो कहाँ से किस तरीके से इसको समझें, और क्या जैसे ही आपको बुखार होता है क्या सीधा मलेरिया का ही टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, कैसे इससे जाना जाए? जैसे अभी डॉक्टर तनप्रीत ने जब बताया कि मलेरिया के लक्षण जो होते हैं, जो बाकी सारे बुखार हैं, चाहे वो डेंगू हो, जो आपको पता होगा कि अभी ये बरसात आने वाली है उसमें डेंगू का प्रकोप होता है, और उसके अलावा अभी COVID-19 से भी हम उभरे हैं इस बहुत बड़ी महामारी से, तो सब में एक जो लक्षण है वो बुखार है। लेकिन बुखार एक ऐसी समस्या है जिसमें जब तक हम आगे उसकी जाँच ना करें तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि उसमें कैसे डायग्नोसिस हो। तो जहाँ तक मलेरिया का सवाल है, उसमें हम सबसे पहले जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वह है उसमें ब्लड की जांच। तो खून की जांच में हम करते क्या हैं कि उसमें एक थिक और थिन फिल्म जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले एक स्लाइड पे हमने एक ड्रॉप डाल दिया, और उसको जो है फैलाने के बाद उसमें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि वो उसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट हैं या नहीं। जो मलेरिया होता है वो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम एक जीनस है, जो आपने देखा होगा अभी एक जो शुरू में दिखाया गया था कैप्सूल, उसमें प्लाज्मोडियम के भी अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसे वाइबैक्स है, फैल्सीपेरम है, अलग अलग है। तो उसमें जो थिक और थिन फिल्म की बात मैं कह रहा हूँ, और उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं कि स्मियर बना के स्टेन करने के बाद देखते हैं, और देखने के बाद उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये मलेरिया का ही लक्षण, आई मीन मलेरिया की ही डायग्नोसिस है। जी इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगहों पे ये लाइट माइक्रोस्कोपी उपलब्ध नहीं होता है, तो उस केस में आजकल एक और हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम RDT कहते हैं, और जिसके माध्यम से मलेरिया की डायग्नोसिस काफ़ी सरलता पूर्वक अब की जा सकती है। उसमें ऐसा होता है कि एक दो तरीके से है, एक सबसे पहले तो हम एक जेनरिक डायग्नोसिस करते हैं, मतलब मलेरिया को सबसे पहले उसके अंदर के जो LDH और एल्डोलेज दो एंजाइम होते हैं जिसके बेसिस पर हम ये बता पाते हैं कि इसमें प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया है, और उसके बाद वाली जो एक जाँच हो सकती है वो ये भी होती है कि उसमें कौन सा टाइप है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि ये वाइबैक्स है, फैल्सीपेरम है, क्योंकि उनके जो सिवियरिटी जी है जी या उनका जी मैनेजमेंट है वो अलग अलग जी होता है। एक कॉलर हैं आज के स्वस्थ किसान के, हमारे पहले कॉलर हैं नंद स्वरूप मिश्रा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मेरे कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पानी कौन कौन सी बीमारी को जन्म देता है, मच्छर कैसी पता नहीं जो फर्स्ट फिर मलेरिया की बीमारी से दूर है उसे कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, घर में किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया हो गया तो उसका बचाव कैसे करें, उस व्यक्ति से अगले व्यक्ति के फैलने न पाए। जी मच्छर से पहले इनका सवाल शायद ये है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बाद अगर हो जाता है तो उसके बाद किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे अभी हमने बताया मच्छरों से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो मलेरिया अपने आप में है जिसमें फीमेल एनोफिलिस, जिसको मादा मच्छर कहते हैं एनोफिलिस, वो मच्छर जब काटता है किसी भी व्यक्ति को तो वो अपने प्लाज्मोडियम जो मलेरिया को करने वाला एक पैरासाइट जैसे हमने बताया उसके अंदर स्पोरोज्वाइट उसका एक स्टेज है जो चला जाता है और व्यक्ति को मलेरिया होता है, जिसमें कि जी बुखार और सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा भी डेंगू, जो कि काफ़ी भागों में फैला होता है, खास करके दिल्ली और उसके एडवाइनिंग एरिया में, जिसमें आपके इसमें एडिस एजिप्टिया एक अलग तरह का मच्छर है जिसमें कि वो साफ पानी में होता है, और उसकी वजह से ये जो बुखार है वो भी एक वायरल फीवर है जो डेंगू फीवर होता है। तो ये जो प्रमुखता ये दो बीमारियां हैं जो बुखार के कारण हैं वो मच्छरों की वजह से जी होता है। मैम, जैसे इनका दूसरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए घर में किसी को हो ही जाता है मलेरिया तो उसके बाद क्या किया जाए, घर के स्तर पर या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है उसका इलाज है उसको लेकर? जी मलेरिया होने के बाद सबसे पहले आपको जैसे डायग्नोसिस हो गया जांच कराने के बाद, उसके बाद तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए ताकि हम मलेरिया को फैलने से रोक सकें।
मलेरिया को रोकना फैलने से रोकना हमारा प्राथमिक कदम होना ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए जितना जल्दी हम इलाज शुरू कर सकें और पूरा इलाज करें, क्योंकि मलेरिया का क्योर या उसका निदान और पूरा इलाज तभी हो सकता है जब आप समय से जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको दवाई बताई गई है उतना लें, तो पूरा इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं पूरा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, और सर यहाँ पर जैसे मैम ने भी कहा कि इसको फैलने से रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है, अगर किसी को परिवार में हो गया तो फैलने से रोकने का मतलब क्या है, किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? मलेरिया की रोकथाम जो है वो हम बहुत सारे लेवल्स पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो है जल्दी से जल्दी जाँच कराना और जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करना। जी उसके अलावा जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करना और पूरा इलाज करना। दूसरा है मच्छरों की रोकथाम, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये बीमारी मच्छरों से फैलती है, तो मच्छरों की रोकथाम सबसे ज़रूरी हो जाता है। मच्छरों की रोकथाम के को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें, दूसरा हम मच्छर के काटने से बचाव करें। तो मच्छर को पैदा ना होने देने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो भारत सरकार की इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी है, जिसके अनुसार हमें बहुत सारे उपाय एक साथ करने होंगे ताकि हम मच्छरों की जनसंख्या कम से कम कर सकें। तो सिर्फ मच्छरों का पैदा होना बंद हम बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमें अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाव भी करना पड़ेगा। जी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम विस्तार से आगे बताएंगे। तो आगे हम बताएंगे आपको कि मच्छरों से अपने आप को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, यानी आपको काटे ही ना, इसके लिए आपको रात को सोते वक्त क्या करना है, घर से बाहर निकले तब क्या करना है, छोटे बच्चों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, और साथ ही साफ सफाई की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तरनप्रीत जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा समय चल रहा है जैसे हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा हरारत महसूस हो रही है या फिर बुखार होना। अब जब हम मच्छरों से होने वाली बीमारी की बात करते हैं तो उसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी है, और एक जो मौसमी बुखार है जो हम कह रहे हैं वायरल, तो इन सब में किस तरीके से एक आम आदमी फर्क कर सकता है, उसके लिए तो ये संभव ही नहीं है। तो पहला कदम इसमें क्या होना चाहिए कि ये तीनों ही तरह की स्थितियां भी चल रही हैं? देखिए अंजू जी, मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को कि मलेरिया में अक्सर मरीज को बुखार के साथ बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि गर्मी में भी मलेरिया हो रहा होगा तो वो दो तीन कंबल और रजाई ओढ़ना चाहेगा, इतनी ज्यादा ठंड महसूस होती है मरीज को। उसके अलावा उसको मन खराब होगा, दर्द होगी शरीर में, और डेंगू में भी, डेंगू बुखार जो होता है जो भी मच्छरों से फैलता है उसमें भी इन सब सिम्टम्स के अलावा मरीज के शरीर में कुछ रैशेज हो सकती हैं, लाल लाल से दाने मरीज नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। और तीसरा जो आपने बोला वायरल फीवर जो अभी फैला हुआ है, उसमें कुछ कभी कभी सिर्फ मरीज को बुखार होता है और कभी कभी सिंपल सिम्टम्स की जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो रही है, थोड़ा गला दर्द हो गया, ऐसे वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। इनमें पेशेंट अगर अंतर करना है कि यही है कि वो आगे अपनी चलाए, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम प्लेटलेट चेक करवा लेंगे तो प्लेटलेट घटे होंगे तो डेंगू का भी बुखार होता है, वो भी सही नहीं होता है क्योंकि वो मलेरिया में भी घट सकते, कभी कभी किसी वायरल बुखार में लग सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर विजय, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो इससे किस तरह का नुकसान शरीर को होता है? ठीक है, वो ठंड महसूस करते हैं आप, बुखार रहता है, ऐसा लगता है बदन टूट रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर शरीर की संरचना को लेकर इसका किस तरह का दुष्प्रभाव रहता है? मलेरिया जैसे भी डॉक्टर तरनप्रीत ने भी बताया कि इसमें जो सिम्टम है वो अंततः मलेरिया जब पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न ऑर्गन्स या सेल्स को अफेक्ट करता है तभी ये होता है। और ये होता क्या है कि सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है वो उसका एक स्पेशल एफिनिटी है वो RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर फैलने की। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये इनको और या लीवर सेल्स के अंदर जब ये फैलते हैं तो ये धीरे धीरे करके उनके सारे लाल रक्त कोशिकाओं को ये डिस्ट्रॉय करना यानी कि उनको उनका विनाश करना शुरू कर देते हैं, जिससे मरीज को जो ये फीवर या जो बुखार की समस्या है उसी के वजह से जब रिलीज होता है इनके अंदर से
तो हीमोज्वाइन, तो उसकी वजह से सारी बुखार और बाकी समस्याएं होती हैं। और ये लाल रक्त कोशिकाओं को जब ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका परिणाम यह होता है कि उसके अंदर के जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर वो किडनी को भी काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ जब वो यूरिन में जब पास करता है जो मरीज़, तो वो आप देखें कि वो काफ़ी काले रंग का भी हो सकता है। कभी कभी इसको हम लोग डार्क यूरिन को कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर, और ये एक तरह से काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि इसमें जो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका डिस्ट्रक्शन काफ़ी या उनका विनाश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा एक और भी जो बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर तरनप्रीत ने भी कहा और इसमें पूरी तरह सहमत हूँ कि प्लेटलेट कम होने को हम हमेशा डेंगू जो मानते हैं वो गलत धारणा है, क्योंकि मलेरिया के अंदर भी प्लेटलेट का कम होना अमूमन देखा जाता है, और इसमें भी हमें ब्लीडिंग या और कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई एक लक्षण के आधार पे ही हम केवल नहीं कह सकते हैं कि बीमारी वही है, उसके लिए हमें निश्चित रूप से जांच की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस कर पाएँ और उसमें इलाज हो पाए। जी बिल्कुल। एक मेरा अगला सवाल ये है कि जो ब्लड टेस्ट की बात कर रहे हैं कि जो आपने बताया शुरुआत में कि एक यही एक सही तरीका होता है समझने का कि मलेरिया है या नहीं, तो उसके बारे में भी आगे पूछूंगी आपसे कि किस समय ये अलार्मिंग एक रेड फ्लैग जो होता है उसे समझना ज़रूरी है। लेकिन एक मेल आया है, दिव्या है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा से ये हमें मेल भेजा है, और ये कहते हैं कि मेरी बच्ची 5 साल की है, कुछ दिनों से उसे हल्का हल्का बुखार भी महसूस हो रहा है, उसे ठंडक भी लग रही है, तो क्या इतने छोटे बच्चों को मलेरिया हो सकता है, क्या करना चाहिए? जी सर, मलेरिया का कोई ऐसा ये नहीं है कि उम्र है कि वो बच्चों में भी हो सकता है, क्योंकि मच्छर तो कहीं भी और किसी को भी काट सकते हैं। तो चूंकि ये फैलाव मच्छरों के द्वारा होता है, तो इसको देखने की आवश्यकता ये है कि उस बच्चे को और भी कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जैसे हम अमूमन जानते हैं कि अभी वायरल भी फैला हुआ है और भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बुखार हो सकता है। तो ये फिर से मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लक्षण के प्रारंभिक लक्षण के आधार पर हमें उसी लाइन पर एक डायग्नोसिस के तरफ से जांच करानी पड़ेगी। यदि वो मान लीजिए सपोज़ एक खराश, गले की खराश के साथ बुखार है, तब उसमें हम ये सोचते हैं कि कहीं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि गले का इन्फेक्शन हो और वायरल है, और शरीर में दर्द है जैसा डॉक्टर तंत्री ने बताया, और वही चिल के साथ बहुत ज़्यादा यदि उसको सर्दी लग रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है जिसमें कंबल ओढ़ने की आवश्यकता है बच्चे को, और काफ़ी जोर का दर्द है, तो उसी हिसाब से हम जांचें करते हैं जैसा लक्षण है। इस पे हम ये नहीं कह सकते कि मलेरिया उस उम्र में नहीं होगा, मलेरिया के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अमूमन बच्चों में यदि हमने प्रिकॉशन लिया है तो नहीं, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा संभावना होती है। यदि 5 साल के बच्चे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, शरीर को ढका नहीं है, तो ये हमें उस बात की ज़्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि बच्चों को हम इन चीज़ों से बचाएं, उनको पूरे कपड़े, और इसके बारे में डॉक्टर नीलम भी बाद में बताएंगे कैसे इनका बचाव करना है। जी, तरनप्रीत जी के पास चलते हैं। तरनप्रीत जी, जैसे सर ने कुछ बातें बताई आप अभी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मलेरिया को लेकर हमने देखा है कि कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जान तक चली जाती है, जानलेवा भी हो जाती है, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि विश्व स्तर पर इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है और अभी भी इसे जाने जा रही हैं, वो कौन सी स्थिति होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट देरी से शुरू होता है या फिर व्यक्ति की अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है, किन हालातों में किसी की जान जा सकती है या फिर ये कहें कि मलेरिया जानलेवा हो सकता है, इसे कैसे समझें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलेरिया कब जानलेवा हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कि किस वजह से मलेरिया हुआ है, जैसे डॉक्टर विजय ने बताया है कि प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया करता है, उसकी आगे 5 प्रकार का होता है, उनमें से जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम होता है वो माना जाता है कि सबसे ज्यादा सीवियर बीमारी वो करता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकती है। अगर वो हुआ हो किसी को तो उसमें जान जाने की संभावना होती है, पर वो भी सब में ऐसा नहीं होगा कि फाल्सीपारम हुआ है तो जान चली जाए, पर वो सीवियर हो सकती है। और दूसरा, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं जिनको कि ज़्यादा रिस्क रहता है मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन होने का, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, उनमें क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई होती है उस वजह से उनमें मलेरिया ज़्यादा दुष्प्रभाव कर सकता है, जैसे कि उनमें गर्भपात हो सकता है, बच्चे का जन्म का वजन कम हो सकता है, और कभी कभी तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है या फिर माता की भी मृत्यु हो सकती है, फिर खून की कमी हो सकती है।
और दूसरा एज ग्रुप होता है छोटे बच्चे, जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं, उनमें भी मलेरिया जो है वो काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उनमें भी इम्यून स्टेटस जो होता है उनका कम ही होती, इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी ज्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है मलेरिया की वजह से। जी यही और साथ में अगर कोई मरीज एड्स से ग्रसित है या फिर कोई ऐसी बीमारी से जिसमें उसकी इम्यूनिटी कम है, उनको भी ज्यादा घातक मलेरिया सिद्ध हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी अपना जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो समय से करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ख़ासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो एक रिस्क में रहती हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे जो हैं जिनमें उतनी अभी प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होती है, वो जो धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, उनके लिए भी काफ़ी ख़तरा रहता है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर इसका डायग्नोसिस हो, यानी इसके इसके लक्षण को समझे और ये समझ जान सके कि मलेरिया ही हुआ है या नहीं, और इसी के अनुसार उसका इलाज भी किया जा सके। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा ये भी हम बताएंगे कि किन किन उपायों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मच्छर आपको छू ना पाए, और मलेरिया से जो अपने आप को आपको सुरक्षित रखने का एक प्रयास करना है वो किन स्तर पर किया जाए, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल, ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में, और मलेरिया वैसे तो आपको सुनने में बड़ा आम लगता होगा कि ये तो हर सीज़न में मच्छर से जुड़ी बीमारी होती है, लेकिन आपको पता है कि विश्व स्तर पर इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही है और जाने आज भी जा रही है, इतने वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी मलेरिया से जाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्तर पर भी बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, और साथ ही जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे आप इसका सही समय पर उपचार नहीं करवा पाएंगे। और कई बार होता ये है कि उपचार में भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, आप पूरा इलाज नहीं लेते हैं, इसके चलते भी हालात गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया के लक्षण कैसे पहचाने, कैसे इसको जाने, इसकी जांचें कौन कौन सी हो और कैसे करें इसका उपचार। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, 1800-11-3060 और दूसरा नंबर है 1800-11-3061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो अगर आप भी महसूस कर रहे हैं या आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि शायद इसमें भी कुछ ना कुछ लक्षण है, या फिर आप अपने अवेयरनेस के लिए कुछ जाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है और अभी भी समय बाकी है, ज़रूर कॉल करें। और मकसद यही है कि आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन में प्रसन्न रहें। बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके की जाँचें होनी चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत इस शुरुआती जाँच में इस्टेब्लिश नहीं हो पाता और वो समस्या परसिस्ट करती रहती है, तो क्या दूसरे लेवल हायर लेवल के भी कोई टेस्ट होते हैं और वो क्या होते हैं? इसमें जांच का जैसे हमने बेसिक्स जो जांच हमने बताया कि हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी से थिक और थिन फिल्म करके मलेरिया की जांच करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे एक विशेष प्रकार का जाँच है जिसको हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि अमूमन एक जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि मलेरिया जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर होता है, और ये मलेरिया पैरासाइट के जो आरबीसी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कई बारी दिखता नहीं है, और उसके लिए हमने क्या इसमें एक डिटेक्शन टेक्निक जो यूज़ किया जाता है वो ये है
कि उसमें एक डाई एक्रिडिन ऑरेंज है वो अटैच कर जाता है। इसको बड़े मैं सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि मलेरिया का जो डीएनए है और आरएनए उसके साथ वो अटैचमेंट की वजह से वो उसको वो और वो चमकता है। तो दर्शकों ऐसा है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में जब हम देखते हैं उसके अंदर तो वो आरबीसी जिसके अंदर मलेरिया होता है वो उसके चमकने से हमें पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर मलेरिया है। लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है और सब जगह अवेलेबल तो नहीं है। किन हालातों में इस टेस्ट की जरूरत इसमें अमूमन हम आम लोगों के से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब ब्लड बैंक्स होते हैं उसमें भी हम ये यूजुअली ब्लड बैंक्स चूँकि बहुत ज़्यादा बैग्स होते हैं और उसको स्क्रीन करने की आवश्यकता होती है तो उस केस में हम इनको एक्रिडिन ऑरेंज या जो फ्लोरेसेंट वाला जो टेक्निक है उसको हम बफी कोट ऐसे भी कहते हैं। मतलब उसमें मलेरिया के आरबीसी को सबसे पहले हम एक मशीन से घुमा के आरबीसी को कंसंट्रेट करते हैं और उसके अंदर के जो पैरासाइट हैं उसको हम इस एक्रिडिन ऑरेंज डाई की वजह से हम देख पाते हैं कि उसमें ये है। और एक जहाँ तक आपने जो बात बताई है जो कि डायग्नोसिस के लिए तो नहीं लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए भी हम एक और मॉलिकुलर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसको जस्ट दर्शकों की हम जानकारी के लिए बता दें कि कहीं कहीं जैसे जंगली क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कहीं मलेरिया जिसको हम इंडेमिक एरिया कहते हैं उसमें हम ये मॉलिकुलर टेक्निक का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। उसमें डायग्नोसिस नहीं बल्कि उसमें हम ये देखते हैं कि किस एरिया में मलेरिया की कितनी ज़्यादा उसमें बहुलता है कितना ज़्यादा फैलाव है जिसको इंडेमिक जोन जी बिल्कुल। तो आप जैसे बता रहे हैं कि किस क्षेत्र में एक तरीके से वो फैला हुआ है और उस क्षेत्र को समझने की भी कोशिश की जाती है कि आखिर वजह क्या है। तो ऐसे में नीलम जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं रोकथाम की तो ऐसे में अपने स्तर पर हम किस डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े मच्छर से फैलने वाली बीमारी जैसे आमतौर पर हम इसे समझते हैं किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मच्छरों से फैलने वाली कई सारी बीमारियाँ होती हैं उन सब का एक ही उपाय है कि हम मच्छरों से का नियंत्रण कर सकें। तो मच्छरों का नियंत्रण जैसे मैंने पहले बताया हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें, दूसरा हम मच्छर के काटने से बचाव करें। तो मच्छर को पैदा नहीं होने दें उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे घर के आसपास पानी जमा ना हो। जैसे कि जो मलेरिया का मच्छर है वो ज़्यादातर बड़े जलाशयों में पैदा होता है जैसे कि तालाब हो गया, कुआं हो गया या फिर बड़े बड़े गड्ढे हो गए या हैंडपम्प के आसपास जो पानी जम जाता है उसमें भी मलेरिया का मच्छर हो सकता है। तो ऐसे हालात में अगर गड्ढे में से पानी निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उसको मिट्टी से भर सकते हैं ताकि उसमें पानी जमा ना हो। फिर कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो इस लार्वा को खा मलेरिया के मच्छर जो होता है एनोफिलीज उसके लार्वा को खा जाती हैं। तो ये मछली बड़े जलाशयों में जहाँ हम पानी को बदल नहीं सकते या फिर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये मछली हम डाल सकते हैं तो वो मच्छर के लार्वा को खा जाएगी और मच्छर का पैदा होना बंद हो जाएगा। तो ये मछली जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे मिल सकती है। तो जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ जाकर आप ये मछली ले सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में तो खुद की हैचरी होती है जहाँ पर वो इन मछलियों को पैदा करते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो ये लार्वा को ख़त्म कर देते हैं। उसके ये तो था कि हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकें। दूसरा हमारे घर के अंदर और घर के आसपास भी पानी जमा हो जाता है जैसे कि वाटर कूलर्स हो गए या फिर आपके गमले हो गए या फिर आपने पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें हफ्ते में कम से कम एक बार पानी सुखा कर अच्छे से साफ कर कूलर इत्यादि को रखना चाहिए ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो जी। फिर दूसरा है मच्छरों से काटने से बचाव। तो उसके लिए आप कॉलर मुझे माफ कीजिएगा रोकना पड़ेगा। धर्मराज जी हैं जिन्होंने राजस्थान से मैं कॉल किया है। धर्मराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी नमस्कार धर्मराज जी सवाल बताएं। सवाल ये सर हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है बुखार सिर दर्द चल रहा है। हाँ जी एक बार फिर से सवाल दोहराइए क्या बता रहे हैं आप। हाँ जी आप क्या बता रहे हैं आपको समस्या हो रही है ये। हाँ सर हो रही है ना। हेलो आवाज नहीं आ रही है। जी जी आप अपना सवाल पूरा कीजिए। सवाल ये है कि बुखार उतर जाता है और दोबारा फिर से लौट के आ जाता है।
सर आप समझ पा रहे हैं? ये आप अपने सवाल को पूरा करें, शायद बुखार के बाद कोई और समस्या है धर्मराज जी? मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि क्योंकि बुखार का समय चल रहा है और बुखार शायद इनको है या फिर परिवार में किसी को ही है, तो कैसे कैसे समझे कि मलेरिया है? वो ये हमें लगता है धर्मराज जी, हमने इस विषय पे अभी थोड़े देर पहले ही इस बात पे हमारी चर्चा हुई थी और डॉक्टर तरनप्रीत ने भी इस बात पे बताया था कि बुखार जब हो और उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंबल ओढ़ने की ज़रूरत हो तो मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं और काफ़ी, लेकिन इस चीज़ को ये डायग्नोसिस को मतलब पक्का करना ज़रूरी है धर्मराज जी तो कि ये मलेरिया बिना है, टेस्ट के नहीं होगा और उसको टेस्ट कराना होगा और टेस्ट में आपके खून की जांच से ये संभव है कि पता चल जाए कि वो मलेरिया है और उसके हिसाब से आप इलाज ले सकते हैं। जी तरनप्रीत जी, जैसे कि हम दिमागी बुखार की भी बात करते हैं तो तब ये कब तक होता है, कब होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, दिमागी बुखार यानी कि सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं मलेरिया के केस में, अगर बुखार दिमाग पे ऐसे वाले लक्षण आ रहे हैं कि मलेरिया ने दिमाग पे असर किया हुआ है। अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि दिमागी बुखार का मतलब है कि बुखार बहुत तेज हुआ था, 104 के ऊपर होना स्पष्ट है, तो बुखार सर पे चढ़ गया, मरीज को उस वजह से दिक्कत हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सेरेब्रल मलेरिया जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट, जैसे डॉक्टर विजय ने भी बताया है, वो रक्त माउथ पे जाके फंसता है, तो जब वो दिमाग की खून की नलियां जो है उनमें इतना ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है पैरासाइट कि वो उनको ब्लॉक करने लग जाता है, तो तब वो सेरेब्रल मलेरिया वाले सिम्टम्स आते हैं मरीज में। उसमें इसको अक्सर क्या होगा कि बहुत ज्यादा तेज सर दर्द होगा, मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं और मरीज कोमा में भी जा सकता है। उसके अलावा देखो उससे आंख की रोशनी चली जाती है, सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, या फिर किसी हाथ पैरों में किसी एक तरफ में कमजोरी आ सकती है, लकवा का अटैक जैसा भी हो सकता है। ऐसा इसको इससे बचने के लिए यही जरूरी है कि मलेरिया की सही टाइम पे जांच हो और उसका इलाज शुरू हो जाए। और ये अक्सर इसी पैरम मलेरिया जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ज्यादा जानलेवा होते हैं उसी की वजह से होता है, तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है कि मरीज सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाके जांच करवाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं टाइम से। जी बिल्कुल, तो ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए अगर कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसको हल्के में ना लें, जांच जरूर करवाएं। विपिन एक दर्शक हमारे साथ सागर से, उन्होंने भी फोन लगाया। विपिन जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? जी मैम नमस्ते, हमारे डॉक्टरों को भी नमस्कार जी। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कुछ लोग रात में कमरे में धुआं करके या फिर जो अलग अलग चीजें आती हैं उनको जला के सो जाते हैं, तो वो तो ठीक है, पर धुआं करने से क्या इसमें कोई पॉल्यूशन या स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है जिससे बंद कमरे में करने से? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि मलेरिया होने का सिर्फ एक ही कारण है, मच्छर या और भी कारण होते हैं? जी मैम, तो पहले तो यही, जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि हम अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ कॉयल्स हैं, कुछ अब अगरबत्तियाँ जैसी भी आने लगी हैं चीज़ें जो कि धुआं करती हैं, तो क्या ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? और जैसे इनका दूसरा सवाल था कि क्या मलेरिया और मच्छर से ही फैलता है? ये जहाँ तक दूसरे सवाल का, मैं पहले दूसरे सवाल को लेना चाहूँगा, पहला सवाल शायद डॉक्टर तरनप्रीत उसका जवाब दे पाएंगी। जो दूसरा सवाल है आपका, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मलेरिया सिर्फ मच्छर काटने से मुख्यतः तो ज़रूर उसी से फैलता है, लेकिन एक दो चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लड जो हम चढ़ाते हैं, खून जो चढ़ाते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मलेरिया का फैलाव हो। तो जब भी जो ब्लड बैंक हैं या वहाँ पे प्रॉपर सुविधा है या होनी चाहिए जिसमें कि मलेरिया को हम डिटेक्ट कर सकें डायग्नोसिस करके, और ये समस्या अमूमन वैसे क्षेत्रों में देखा जाता है जो इसको हम इंडेमिक जोन कहते हैं, जहाँ मलेरिया की समस्या बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे आपके जानने वाले किसी व्यक्ति में यदि कोई मलेरिया का शिकार होता है और आपको खून देने की आवश्यकता है, तो वही व्यक्ति जब जाता है तो देखता है कि उसके तो खुद भी मलेरिया है, और वैसे व्यक्ति के खून लेने से मलेरिया हो सकता है उस व्यक्ति को, इसलिए उस चीज़ को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मलेरिया सिर्फ मच्छर काटने से नहीं बल्कि ये इस विधि से भी, यानी कि खून चढ़ाने के दरमियान भी हो सकता है। जी
बिल्कुल, तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा ये विपिन जी कि क्या सिर्फ मच्छर से होता है या फिर इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं। और जो इनका एक और सवाल था जो इन्होंने पूछा कि हाँ। जो हम अलग तरनप्रीत जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, ये हमारे दर्शक का सवाल था कि जो हम आजकल अलग अलग तरह के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं जिनमें धुआं करा जाता है कमरे में, या फिर कॉयल है, अगरबत्तियां हैं, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट ही है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो उचित है मच्छरों से प्रिवेंशन के लिए? जी मैम, काफी बार ऐसा भी देखा जाता है गाँव में लोग धुआं जला लेते हैं, कुछ कागज वागज जला के धुआं करके सोचते हैं कि धुएं से मच्छर दूर रहेगा। ये इतना उचित नहीं होता है क्योंकि उससे आप सो रहे हैं धुआं में और आपको सांस की कोई दिक्कत हो सकती है। कभी कभी अगर धुआं ही चलाया है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है जो कि आप इनहेल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक से जी जी। और जहां तक बात रही कॉइल्स और अगरबत्ती और ये जो रेपेलेंट मॉस्किटो रेपेलेंट हम घर में यूज करते हैं, अक्सर ये भी केमिकल्स होते हैं जी। माना कि ठीक है हम इनको करते हैं, उपयोग इनका किया जाता है, पर सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप अगर स्प्रे करते हैं घर में इस वाले से 3-4 घंटे पहले कर दीजिए, ताकि जब तक आप सोएं उस कमरे में तब तक उसका जो स्मेल था या फिर वो उसका असर कम हो गया हो। और दूसरा बेस्ट दूसरा तरीका अच्छा सबसे अच्छा है कि इंसेक्टिसाइड वाली नेट्स जो कि मच्छरदानी या जाली कहते हैं हम लोग, उसका उपयोग करें, स्पेशली जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वो स्पेशल जाली होती है जिसपे की कीटनाशक दवाई का वो किया होता है, स्प्रे किया होता है, उससे मच्छर जो है वो आपके पास ही नहीं आते। तो आप सो रहे हैं तो आप अगर वो जाली लगा के सोते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है मच्छरदानी जैसे कि आपने बताया। और उसमें देखिए केमिकल्स उस तरीके से नहीं होते कि धुआं जो है आपके सांस के साथ अंदर जाएगा, या फिर कुछ हम ऐसे क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि केमिकल्स ही हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो मच्छरों से अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी भी समस्या है वो कहीं ना कहीं इनके साथ बढ़ भी सकती है। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये तो बात हुई कि हमने नेट लगा लिया या फिर और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन मच्छर काटे ना, इसके लिए क्या कर, क्या इसके लिए भी कोई उपाय हो सकता है कि मच्छर काटे ही ना अगर आते भी हैं तो, क्या घरेलू उपचार या फिर किसी तरह के कोई और रास्ते हो सकते हैं? जैसे अभी डॉक्टर तरनदीप ने कहा कि मॉस्किटो नेट मच्छरदानी सबसे अच्छा इलाज है, स्पेशली मलेरिया का जो मच्छर है वो रात को काटता है, इसलिए मच्छरदानी में सोना उसके लिए सबसे ही बेहतर उपाय है रोकथाम के लिए। तो मच्छरदानी प्लेन मच्छरदानी हो सकती है जिसमें कोई कीटनाशक नहीं है, तो कोई भी जो भी मच्छरदानी अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि कीटनाशक लगी हुई मच्छरदानी इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि सभी मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए है, जिसे कि नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीज़ कंट्रोल भी कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बहुत ही हाई एंडेमिक एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पर मलेरिया की समस्या बहुत गंभीर है, वहाँ पर ऐसी मच्छरदानियाँ फ्री में बांटी दी जाती हैं घरों में, ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए और मच्छर के काटने से बचाव हो सके। और ये मच्छरदानी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स जो होती हैं वो 3-5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे बार बार कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसको कम से कम 20-25 बार धो भी सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा उपाय होता है जी। और ख़ास तौर पर जो हमारे ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या फिर किसी को जिसको सांस की समस्या है, तो वो इस तरह के धुआं करने से बचे तो ही बेहतर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालता है, उससे और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी। तो जाली के बारे में हम जो बता रहे हैं, मच्छरदानी जिसे हम अक्सर सुनते हैं और ये तो बहुत पुराना तरीका है, तो अभी भी ये सबसे सहज और सबसे हिट तरीका है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जिससे ना तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत पड़े और ना ही कुछ जलाने की ज़रूरत पड़े, और आप अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में,
खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में, कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में। कैसे होता है मलेरिया, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसे बचाव करें, और यही हमारी कोशिश भी है कि आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, और किसी भी तरह के सिम्टम्स या लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसे बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि मलेरिया अगर सही समय पर इसका या पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो जानलेवा भी हो सकता है। और साथ ही हमने आपको ब्रेक से पहले कुछ बातें और भी बताई कि कौन सेक्शन के लोग हैं जो कि इसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा संवेदनशील है, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, साथ ही मैं आपके लिए रिपीट भी कर देती हूँ। 1800-1130-60 तो ये 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मलेरिया जो आज का हमारा विषय है, इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमारे विशेषज्ञों के सामने रखें। चलिए बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सर, एक चीज़ हमने भी देखी है कि मलेरिया में तिल्ली बढ़ती है और कई बार होता यह है कि ठीक होने के बाद भी ये बढ़ी रहती है, तो सबसे पहले तो ये समझाएं कि दरअसल ये है क्या और ये ऐसा होता क्यों है। दरअसल मलेरिया में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जैसे मैंने पहले बताया था कि लाल रक्त कोशिकाओं की समस्या है जिससे एनीमिया होता है और खून की कमी होती है या प्लेटलेट भी घट जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जब मलेरिया बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएँ जो नष्ट हो रही हैं उनको स्प्लीन उसके इन रिएक्शन लार्ज होता चला जाता है, और जब चूँकि वो अल्टीमेटली जो उसका विनाश है वहीं हो रहा है, और ये जो स्प्लीन या जिसको तिल्ली हम कहते हैं आम भाषा में, जब ये बढ़ जाती है तो कई बार ये आपने सुना होगा कि मरीज़ जो है कंप्लेन आके बाद में भी करते हैं कि मरीज़ तो ठीक हो गया है फिर भी तिल्ली उसकी बढ़ी हुई है। तो ये एक जो समस्या है उसको हाइपर रिएक्टिव स्प्लीनोमेगैली कहते हैं, और ये ट्रॉपिकल मतलब जहाँ भी एंडेमिक एरिया है वहाँ ये होता है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये देखना होता है कि उस मरीज़ को हो सकता है लंबे समय तक मलेरिया का ट्रीटमेंट देना पड़े, और क्योंकि ऐसे मरीज़ जिनको जैसे डॉक्टर तरनप्रीत ने भी बताया था कि जिनके इम्यूनिटी की समस्या हो, वैसे व्यक्तियों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है जी। तो वैसे ही लोगों को इसका ध्यान रखना होगा और मलेरिया का ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबे समय तक लेना होगा पर्टिकुलरली जी। सर, इसके दुष्प्रभाव और क्या क्या हो सकते हैं? इसके दुष्प्रभाव में जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऐसे मरीज़ जिनके स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो ब्लड सेल्स के काउंट बहुत ही कम हो सकते हैं जी। जिसको हम हाइपर स्प्लीनिज्म से रिलेटेड कहते हैं, मतलब स्प्लीन का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, तिल्ली का इतना बढ़ जाना जिससे कि वो जो हमारे खून के शरीर के जो खून के सेल्स हैं, जैसे वो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं या लाल रक्त कणिकाएँ हैं जिसको हम WBC और RBC कहते हैं और प्लेटलेट हैं, वो उनको हम कहते हैं कि पुलिंग होने लगते हैं, मतलब उनकी संख्या कम हो जाती है जिससे मरीज में पैनसाइटोपिनिया या एक और तीनों तरह के सेल्स की कमी हो जाती है। उसके अलावा एनीमिया भी काफ़ी सीवियर हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये लाल रक्त कोशिकाएँ का जो विनाश है इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें ब्लैक वाटर फीवर या हिमोलिटिक एनीमिया जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, और उससे मरीज को फिर जॉन्डिस और अन्य तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। और उसमें एक जो गंभीर खतरा होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैसिपेरम का, जिसको डॉक्टर तरनप्रीत ने विस्तार से बताया है, जिसमें कि मस्तिष्क का ज्वर हो सकता है और जिसको कि हम सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं जी। तरनप्रीत जी, जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्थिति होती है जब बहुत सीवियर हो जाती है, और ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब किस तरह का ट्रीटमेंट मरीज को चाहिए, कब आप सजेस्ट करेंगे अगर किसी को मलेरिया हो भी जाता है कि वो घर पे रहकर इलाज करे या फिर उसे भर्ती होने की जरूरत है, वो कौन से किस तरह की सीवियरिटी होती है? जी मैम,
ये जानना बहुत जरूरी है कि मलेरिया का मरीज कब अस्पताल में जाए, क्योंकि 80-90% तो मलेरिया घर पे ही दवा खाने हो जाएगा। सिर्फ 10-15% मरीज होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन बन सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन के कुछ सिम्टम्स में आपको आप और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर विजय ने भी बताया था कि मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है वो लिवर में जाता है अक्सर। उससे क्या होता है कि लिवर पे ज्यादा प्रभाव पड़े तो मरीज में जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, किडनीज पे असर कर सकता है वो, फिर मरीज का पेशाब कम हो सकता है, फिर खून भी आ सकता है, या फिर खून एकदम कम हो गया, या फिर मरीज को शुगर, मरीज के खून में शुगर की कमी हो गई जिस वजह से उसको कमजोरी जैसी आने लग गए, या फिर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर मलेरिया का मरीज है, दवा खा रहा है, एकदम से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है, महसूस हो रही है जी, तो उस टाइम तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। या फिर सेरेब्रल मलेरिया जैसे मैंने बताया है आपको, अगर उस वैसे वाले किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं कि दिल्ली के दौरे पड़ रहे हैं, कोई कोमा में बेहोशी में जा रहा है, उस मरीज को भी तुरंत अस्पताल में लेके जाना चाहिए। या फिर अगर मरीज का बीपी लो हो रहा है, मलेरिया के मरीज का बीपी लो हो रहा है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, तो ऐसे में भी तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। या फिर सिंपल ही अगर मरीज मलेरिया का मरीज है, उसको दवा खाने को मिली है पर उसको उल्टियाँ इतनी ज्यादा हो रही है कि वो दवा कुछ नहीं खा पा रहा है, ऐसे में भी जरूरी है कि आवश्यक हो जाता है कि आप मरीज को अस्पताल ले जाओ, उसको टीके लगवाए जाए, मतलब कि ताकि मरीज का इलाज जो है वो रुके नहीं, उसमें कुछ ना हो, रुकावट ना हो, अगर उल्टियाँ बहुत ज्यादा हो रही है, वो दवाई खा नहीं पा रहा है, तो ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कि मरीज को आपको अस्पताल में लेके जाना पड़ता है। पर ऐसी मतलब सिचुएशन जो है वो सिर्फ 10-15% लोगों में ही देखी जाती है, मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो घर पे ही दवा खा के ठीक हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो देखिए घर पर ही दवा खाकर बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं और ये आंकड़ा भी कोई हल्का फुल्का नहीं है। जैसे कि मैम बता रही कि 80% तक लोग ऐसे हैं, 10-15 लोगों को अस्पताल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से वो हालात हैं जब आपको अस्पताल जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ठीक से उपचार नहीं किया या सही समय पर सही उपचार नहीं मिला तो कई बार हालात काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। नीलम जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम प्रिवेंशन की लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम हर सेक्शंस में इसको हम बांट लेते हैं, एक तो बच्चे जिनके बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी संवेदनशील होते हैं, गर्भवती महिलाएं हो गई, इसके अलावा बुजुर्ग हो गए, और क्या जिसके पास जिसके साथ कुछ पहले से ही बीमारियां हैं, क्या वो भी कुछ सेंसिटिव ग्रुप में होते हैं, इन सभी को लेकर किस किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि ये सब हमारे स्पेशल ग्रुप हैं जिनको ज़्यादा खतरा है मलेरिया से संक्रमित होने का, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, 5 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि HIV एड्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे मरीज हैं जो कैंसर के मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में भी मलेरिया संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए उनको ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है कि वो मच्छर से जितना बचाव कर सकें उतना अच्छा है। वो शाम के बाहर, अगर बाहर कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो उसको अपने शरीर को पूरी तरह ढककर निकलना चाहिए, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, और घर में जैसे हम पहले भी कई अभी बता चुके हैं कि आपको मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए अपने घर में, और घर के आसपास मच्छर पैदा ना होने दें, ये तो सबसे पहले ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है। तो अगर हमें मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को रोकना है तो हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए। तो अपने घर और अपने घर के आसपास पानी बिल्कुल जमा ना होने दें। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा जो डॉक्टर तनप्रीत ने बोला उसको और आगे बढ़ाते हुए, कि जो सीवियरिटी की बात होती है या गंभीरता की बात है मलेरिया के अंदर, उसमें हम डायग्नोसिस के अलावा इस चीज़ पे भी हम रोशनी डाल सकते हैं कि मलेरिया का जो प्रकार है क्या वो बहुत सीवियर है या उसमें गंभीरता की थोड़ी सी मतलब गुंजाइश है कि इलाज से वो जल्दी ठीक होगा। उसमें के लिए हम लोग एक मलेरिया पैरासाइट इंडेक्स करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि RBC के अंदर मलेरिया का क्या संक्रमण है, कितनी मात्रा में है ये,
उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है और उसके अंदर देख करके कि क्या कम RBCs हैं या लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो कम मात्रा में अफेक्टेड हैं या वो ज़्यादा हैं, उसके आधार पर हम ये एक इंडेक्स बनाते हैं और उसको हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट इंडेक्स, जिसके आधार पर हम जरूर मॉनिटरिंग जो ट्रीटमेंट का है या उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं या जिसमें समाधान जल्दी होगा या इसमें हमें ज़्यादा इलाज शीघ्रता और गंभीरता से करने की आवश्यकता है, उस चीज़ को हम इसमें पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से इसकी गंभीरता को पता लगाया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी, तरनप्रीत जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम एक चीज़ और ये भी आपसे समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी स्थिति होती है कि एंटीबायोटिक दी जाए इस बीमारी में, और इसके अलावा क्या बच्चों को भी देना चाहिए, बुज़ुर्ग या फिर जो सेंसिटिव ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में? देखिए एंटीबायोटिक जो है अभी लोगों में काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन या मिथ है लोगों में कि कुछ भी बुखार हो गया है तो एंटीबायोटिक ले लीजिए, जरा सा भी कुछ हुआ है तो एंटीबायोटिक ले लीजिए, जबकि 60-70% टाइम्स जो होता है बुखार सिर्फ वायरल या फिर मलेरिया या डेंगू इन कारणों की वजह से होता है, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है और आवश्यकता एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी एंटीबायोटिक का काफी दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर किसी को एंटीबायोटिक दी भी गई है, मान लीजिए कोई और बुखार था जिस वजह से उसको एंटीबायोटिक दी गई थी, तो लोग क्या करते हैं कि दो दिन खाएंगे तो उसके बाद उनको लगेगा कि अब तो हम ठीक हो गए हैं और वो एंटीबायोटिक बंद कर देंगे, जो कि बहुत ही गलत है। ये एक इफेक्ट ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम कहते हैं, ये तो एक अपने में एक विषय है, चर्चा का विषय बिल्कुल साइंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसलिए लोगों को बहुत जरूरी है ये पता हो कि कोई भी बुखार हो एंटीबायोटिक मत लीजिए, आप पहले उसकी जांच करवाइए कहीं वो आपको मलेरिया या डेंगू बुखार तो नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर की सलाह पे ही एंटीबायोटिक लीजिए, अब तो लोगों को काफी नाम ही पता होते हैं एंटीबायोटिक्स के, खुद ही जाके वो ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना। जी तो फिर तरनप्रीत जी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये डॉक्टर की सलाह पर ही होना चाहिए और इसके भी कुछ मानक है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, ये अपने आप में एक विषय है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो अंत में कुछ और बातें जो आपको लगता है कि दर्शकों को जाननी चाहिए जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? जी देखिए, मलेरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो टोटली प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल है, पूरी तरह से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, पूरी तरह उसका इलाज है, उसके बावजूद अभी भी हमारे देश में कई सारे केसेस आते हैं हर वर्ष और कई सारी डेथ भी हो रही है मलेरिया की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें मिलके हम सबको, जैसे कि डॉक्टर नीलम ने भी कहा था कि हम सब लोग मिलके अपने अपने एफर्ट्स करें ताकि हम मलेरिया को रोक सकें पहले से, और साथ में अगर किसी को मलेरिया है तो प्रॉपर टाइम पे उनका इलाज हो, तभी हम अपने देश को मलेरिया से मुक्त कर सकते हैं। अभी हमारे भारत सरकार ने प्रोग्राम भी किया हुआ है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, जिसमें कि हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक अपने देश से मलेरिया को खत्म कर सकें। तो हम सब लोगों को अपना अपने तरफ से प्रयास करने चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें और मलेरिया को अपने देश से बिल्कुल, तो अपने देश को मलेरिया मुक्त करना है, सरकार भी अपने तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन जब तक आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा, वो अवेयर नहीं होगी, वो नहीं समझेगी, तब तक किसी भी अभियान को हम कामयाब नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया तरनप्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सर क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो आप भी कुछ अगर पॉइंट्स यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाई और हमारे दर्शक को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मलेरिया है वो एक पूरी तरह से इसको हम रोकथाम भी कर सकते हैं जैसा मैडम ने बताया है, और इसकी समय पे जांच कराएं, और जांच की सुविधा अवश्य है, अब तो सब सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी है, और इस ये एक ऐसी जाँच है जो किसी भी बगैर किसी देरी के इसको जैसे मैंने बताया कि ब्लड के या खून के नमूनों से आराम से की जा सकती है, और एक बार हमें ये पता लग जाए कि ये मलेरिया ही है तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो किसी भी बुखार पे किसी प्रकार की दवाएं लेने के पहले उसकी जांच के द्वारा वो डायग्नोसिस क्या है, चाहे वो डेंगू हो,
मलेरिया है या टाइफाइड है या कोई भी कोविड है, किसी प्रकार के बुखार में जैसे हम दुकानों से जाके जो दवा लेते हैं, मेरा सुझाव सबसे पहले यही होगा, ओवर द काउंटर दवाओं को आप प्लीज़ बंद करें और सबसे पहले इलाज के लिए उसकी डायग्नोसिस या उसका जो एक्यूरेट जो पता चल जाए कि क्या वजह है, उसके बाद इलाज पूरी तरह से संभव है, और नीम हकीम के पास जाने से बचें और इसकी डायग्नोसिस पर ध्यान दें, और उससे भी बड़ा जो मैडम ने भी बताया कि उसके रोकथाम पे इसकी विशेष ध्यान। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर विजय और डॉक्टर तरनदीप ने पहले ही बताया कि जल्दी से जांच कराना, जल्दी से उपचार कराना और पूरा उपचार कराना, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है। उसके अलावा रोकथाम करना, मच्छर पनपने से रोकना और मच्छर के काटने से बचाव करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी कार्यक्रम है सरकार द्वारा चलाया गया, अगर हम भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं तो हम ये मलेरिया को 2030 तक अपने देश से खत्म कर देंगे। बिल्कुल, तो यही हम सबका मकसद होना चाहिए, सरकार के अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर हम सबको चलना है। और एक बार फिर से हम कहेंगे, जिससे हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप जागरूक रहेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, मच्छरों को अपने आसपास पनपने ना दें, और साथ ही ऐसे भी उपाय करें जो कि आपको काटे ना, जिसके बारे में आज हमने चर्चा भी की है। और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ दर्शकों को हमने आज कार्यक्रम के माध्यम से दी हैं, ज़रूर उससे आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से चर्चा की आपने और दर्शकों को जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का हमारी तरफ से। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, बहुत आसान है, swasthkisan@gmail.com। तो आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं, उससे गुणवत्ता बढ़ती है और जो हमारी कोशिश होती है कि हमारे दर्शक, हमारे किसान हमारे कार्यक्रमों से लाभान्वित हो, उसमें भी मदद होती है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और जो हमने आप आज कार्यक्रम में आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताया है, बचाव के बारे में बताया, उन्हें बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।